बुढ़ई थाना क्षेत्र के कलहाजोर गांव में भू विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना में चार महिला समेत सात लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायल मधुपुर थाना पहुंच गए, जहां से घायल मोहम्मद तबरेज, हसन, मकसूद आलम, मुश्ताक शेख, सैरून बीवी, सोनिया खातून, जैबून खातून, नसीमा खातून को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना बुढ़ई थाना को भी दी गई। घटना के संबंध में घायलों ने पुलिस को बताया, संपत्ति बंटवारे को लेकर रफी शेख, रियाज, अरशद, इरफान, हजरत खातून, जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इससे पूर्व में भी थाने में शिकायत की गई थी। थाना में सुलहनामा भी हुआ था। इसके बाद आज गांव में पंचायती बुलाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी आरोपी जबरन विवादित जमीन में काम लगा दिया। रोकने गए तो सभी ने मिलकर मारपीट की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। जमीन के लिए हुआ है, जबरदस्ती करके बोलता है, जब थाना से भी बांटा गया मेरा जमीन, उस पर भी वो जबरदस्ती दबाव दे दिया है। तो वही इसलिए हम लोग आदमी जमा किया कि सब मुखिया सरपंच को सबको जमा किया कि आप लोग क्या कर दीजिए, जबरदस्ती करता है। आज पंचायती कर रहे थे। हाँ, तो आज पंचायती का डेट लिया, तो जब डेट हो गया तो मुखिया सब आया, सबको जमा किए। जमा करने के बाद उसके बाद वो क्या किया कि सब तलवार तो फरसा तो ये सब लेके मतलब रखा था साथ में। कौन मारा है, क्या नाम है वो? रफीक शेख। उसका बेटा जो है ये रफीक शेख है, और रियाज है, अरशद है, रियाज है, इरफान है, ये सब मतलब सब मिल के मतलब मारा है। उसका माँ जो है सो ये हजीरन खातून है। हाँ, घर हुआ कलाजोर। मारने वाला जो समाज के लोग घर कहाँ? कलाजोर। तो पंचायती हो रहा था, आज मुखिया को बता रहे मारा है, तो क्या बोलना था लोगों, गाँव वाला या पंचायत को क्या कहना है? और गाँव वाला तो सब एक तरफ हो गया है कि इसको मतलब नहीं छोड़ना है, पूरा पंचायत गांव मुखिया को मारा है, सबको मतलब मारा है, किसी को बोलता है अकेले में बम उड़ा देगा सबको में। हाँ। आप लोग थाना में इसकी जानकारी दे रहे हैं? हाँ, थाना में हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मकसूद आलम। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।